brought to you by Techno Camon 30 series. एमपी की 29 लोकसभा सीटों को लेकर देश के कई न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल आ चुके हैं, लेकिन तीन एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कांग्रेस की एमपी में बल्ले बल्ले कर दी है। साल 2014 से 2019 तक केवल दो से एक सीट पर सिमटने वाली कांग्रेस को तीन सीटें एमपी में आने की संभावना जताई है। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 27 से 29 तो वहीं कांग्रेस को दो सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इधर एबीवीसी वोटर ने बीजेपी को 26 से 28 और कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिलने की संभावना जताई है। इसके अलावा न्यूज 18 ने 26 सीटें बीजेपी को तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना जताई है। बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग हुई। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले 1 जून को अंतिम दौर का मतदान पूरे होते ही एग्जिट पोल्स के नतीजे आए। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल देश का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल होता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और दिसंबर 2013 से दिसंबर 2023 तक 66 विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल किए गए। इन 69 चुनावों में से 64 चुनावों में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुए। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने एमपी में बीजेपी को 28 तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आने की उम्मीद जताई है। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल एमपी में सटीक साबित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।